इस समस्या में यूरिन से प्रोटीन लॉस होने लगता है, जिसका मुख्य कारण किडनी में आई कुछ खराबियों को बताया जाता है। अब जब किडनी में कुछ खराबियां हों, तो जाहिर है कि मरीज को अपनी डाइट पर भी काफी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है जो किसी रोग की रिकवरी में एक बड़ा रोल निभाता है। तो अगर आप ऐसे में प्रोटीनूरिया के मरीज हैं, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डाइट को बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रोटीनूरिया की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि प्रोटीनूरिया की समस्या में आपको क्या खाना है, तो प्रोटीनूरिया की समस्या में आप ऐसे फूड्स खा सकते हैं जिसमें फाइबर हो, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हो। ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी किडनी को सेफ रखते हैं, जिससे आप प्रोटीनूरिया की समस्या को कम कर सकते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए आप सब्जियों में परवल, लौकी, कद्दू, करेला, गाजर, तोरई, कच्चा पपीता, प्याज, मूली और हरी शिमला मिर्च जैसी सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा फलों में रैसबेरी, ब्लूबेरी, कैनबेरी, सेब, पपीता, जामुन, नाशपाती जैसे फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑयल की, तो ऑयल में आप जैतून या फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर रहते हैं, जो आपको प्रोटीनूरिया की परेशानी को कम करने में मदद करते हैं। तो यदि आप प्रोटीनूरिया की समस्या से परेशान हैं, तो हमारे द्वारा बताए गए इन सभी फूड्स को आप डॉक्टर की सलाह से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप भी प्रोटीनूरिया या फिर किडनी से रिलेटेड या फिर किसी अन्य समस्या से परेशान हैं, तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए।